दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अपने पद और आम आदमी पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। मैं कैलाश गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मणिपुर में जारी तनाव के बीच अमित शाह ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा बैठक की। जारी हुआ पुष्पा 2 द रूल का ट्रेलर रिलीज होते ही हुआ वायरल। दिल्ली परिवहन आयोग के कर्मचारियों ने समान वेतन, समान काम और स्थायी नौकरी की गारंटी की मांग को लेकर सरोजिनी नगर में विरोध प्रदर्शन किया। भारत माता की। साथियों, जोश बरकरार रहना चाहिए, इससे डबल सुबह होना चाहिए। भारत माता की इंकलाब, इंकलाब, समान वेतन, 60 साल के रोजगार की गारंटी दो, 60 साल के रोजगार की गारंटी दो। डीटीसी का निजीकरण बंद करो, डीटीसी का निजीकरण बंद करो, डीटीसी का निजीकरण बंद करो। इंकलाब, इंकलाब। नाइजीरिया दौरे पर बोले पीएम मोदी, नाइजीरिया ने अफ्रीका में बहुत बड़ी और सकारात्मक भूमिका निभाई। नाइजीरिया के साथ करीबी सहयोग भारत के लिए उच्च प्राथमिकता है। अफ्रीका में नाइजीरिया की बहुत बड़ी और सकारात्मक भूमिका रही है और अफ्रीका के साथ करीबी सहयोग भारत की उच्च प्राथमिकता रहा है। हमारे सभी प्रयासों में हम नाइजीरिया जैसे मित्र देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। भारत और नाइजीरिया भी मिलकर दोनों देशों के लोगों और पूरे अफ्रीका महाद्वीप की समृद्धि के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। हम करीबी समन्वय के साथ काम करते हुए ग्लोबल साउथ के हितों और प्राथमिकताओं को महत्व देंगे। एक्सलेंसी, एक बार फिर इस सम्मान के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बंद हुआ बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट। आखिरी दिन चमोली के डीएम संदीप तिवारी ने बद्रीनाथ धाम का दौरा किया। और इस बार यात्रा काफी अच्छी रही, श्रद्धालुओं के दर्शन करते हैं और आज भी आखिरी दिन भी काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं और इस बार की यात्रा काफी अच्छी रही है। मैं देखा हूँ दूसरा मगर आज भी यात्रा काफी अच्छी व्यवस्था है। आप देखिए, आशा करता हूँ